आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे ते अमरीका रवानो ISPR मूजिब पाक फौज जो सरबराह अमरीका जी अस्करी कयादत समेत हुकूमत अमलदारन सा मुलाकातू कंदो। जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ तौर अमरीका जो पहरियो दौरो आहे। एक जेल मां निकरण बियो जेल खां बचण लाइ इलेक्शन विड़ी रहियो आहे। असां जो को बि सियासी मुखालिफ़ न आहे। पीपल्स पार्टी जो मुक़ाबिलो न रांदीगर करे सघे थो न को बि॒यो। असां आवाम जे मसलनि जे हल लाइ इलेक्शन विड़ी रहिया आहियूं। ॿिया तयारु हुजनि या न, पीपी जा चियाला इलेक्शन लाइ तयारु आहिनि। क़ौम खे ॿुधाइणो पवंदो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे क़तल में केरु मुलविस हो। अदालती क़तल जा सहूलतकार केरु हुआ। जनरल ज़ियाउल हक़ खां वठी जजनि, वकीलनि ऐं सियासतदाननि समेत जेके बि सहूलतकार हुआ उहे मुल्क जा ॾोही आहिनि। उमेदु करियूं था त कानून ऐं तारीख़ सां इंसाफ़ कयो वेंदो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त अवाम जी हिमायत सां नफ़रत, विरासत ऐं ज़ाती दुश्मनी वारी सियासत खे दफ़न करे अवामी ख़िदमत वारी सियासत कंदासीं। अरिड़हीं तरमीम ते न अॻूणे PTI चेयरमैन अमल कयो ऐं नई नवाज़ शरीफ़। सिंध समेत सॼे मुल्क में असांखे लेवल प्लेइंग जी ज़रूरत नाहे। सॼे मुल्क में जमहूरी अंदाज़ में चूंड विड़ी सोभारा थींदासीं। निगरान हुकूमत खे ज़मीनूं विकिणण समेत कंहिं बि क़िस्म जा इख़्तियार नाहिनि। पीपी इक़्तदार में अची अवामी ताक़त माणण बाद कानूनी तरीक़े सां मामला ॾिसंदी। सिंध में पीपी ख़िलाफ़ हमेशा इतिहाद ठहंदा रहिया आहिनि। इन्हनि सां को बि फ़र्क़ु नथो पवे। सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदड़ कुझु क़ौम परस्तनि सिंध विराइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सां इतिहादु कयो आहे, जेका खिल जोॻी ॻाल्हि आहे। सिंध जे अॻूणे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो छठे में अॻूणे सूबाई सलाहकार एजाज़ शाह शिराज़ी जी वर्सी तकरीफ़ ऐं ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हियो। इलेक्शन कमीशन आम चूंडुनि जो शेड्यूल जारी करण वारनि ख़बरुनि जी तरदीद करे छॾी। तर्जुमान जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन अञा ताईं आम चूंडुनि जो शेड्यूल जारी नाहे कयो। सोशल मीडिया ते गर्दिश कंदड़ चूंड शेड्यूल जारी आहे। इलेक्शन कमीशन जे तर्जुमान जे बयान खां सवाइ कंहिं बि मनसूब बयान ते न ध्यानु ॾिनो वञे ऐं न ई उनखे इलेक्शन कमीशन जी पॉलिसी बयान सम्झो वञे। अॻूणे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन सेनेट जी सीट तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। सेनेट चेयरमैन सादिक संचवाणी संदसि इस्तीफ़ा मंज़ूरु करे वरिती। सेनेट चेयरमैन इराक मां दुबई पहुतो, जिथे शौकत तरीन साणस मुलाक़ात करे पंहिंजी इस्तीफ़ा पेश कई। पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में अॼु इंसानी हक़नि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। 75 सालनि खां पोइ वालारल कश्मीर में भारत जो इंसानी हक़नि जूं भञकड़ियूं जारी। 1948 खां हेल ताईं मज़लूम कश्मीरी ज़ुल्म जी चकीअ में पिसजी रहिया आहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ आलमी बिरादरी खां कश्मीरियुनि जे हक़नि लाइ भारत ते दॿाउ विझण जो मुतालबो करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान इंसानी हक़नि जे आलमी मंशूर जी हिमायत पासदारी जारी रखंदो। पाकिस्तान बिना फ़र्क़ मज़हब, रंग, नसल, इंसानी हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। भारत गैरक़ानूनी तौर वालारियल कश्मीर में इंसानी हक़नि जूं संगीन भञकड़ियूं करे रहियो आहे। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो इंसानी हक़नि जे आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां पैगाम। संदसि चवणु आहे त गॾियल क़ौमुनि जो इदारो इंसानी हक़नि जे एतराम खे यकीनी बणाइण में किरदारु अदा करे। गॾियल क़ौमूं इंसानी हक़नि जे चार्टर ते सख़्ती सां अमल कराए। गज़ा में इसराइली फ़ौज इंसानी हक़नि खे पामाल करे रही आहे। वालारियल कश्मीर खे मोदी हुकूमत दुनिया जो सभ खां वॾो जेल बणाए छॾियो। जंगी जुनून ऐं शिदत पसंदी इंसानी हक़नि जी भञकड़ियुनि जी अलामत आहिनि। जमहूरियत पसंद मुल्क फ़लस्तीनी आवाम ते थींदड़ ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ आवाज़ उथारे। बलोचिस्तान जे शहर हज़ार में सुल्तान इब्राहिम रोड ते धमाको। SHO CTD शहीद ॿ वाटहड़ू बि ज़ख़्मी। धमाके में SHO मोहम्मद मुराद शहीद थी वियो। पुलिस जी वॾी नफ़री वाके वारे हंधि पहुती। लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल।
निगरान वफाकी घरू वजीर सरफराज बुख्ती पारा फौजदार धमाके की मजम्मत SHO की शहादत के दुख जो इजहार संदस चवड़ा है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानों बढ़ाए बलोचिस्तान जो अवन तबाह करण चाहन था दहशतगर्दी जो बुजदलाड़ियों कार्रवाई असान जवानों का हौसला कमजोर नी कर बलोचिस्तान समेत सजे मुल्क में दहशतगर्दी जो खात्मो कंदी। खैरपुर भरसा चार ढी अग मुबैना पुलिस मुकाबले में बिन नौजवानों के मारजण वो मामलो नौजवानों के प्राइवेट मानून पारा गोलियों हणी कत्ल करण जो इंकशाफ जरिए मौजूद प्राइवेट मानू बिन्हीं नौजवानों के डोड़ाए डोड़ाए कत्ल किया। प्राइवेट मानू अहलकारन का हथियार वठी बिन्हीं नौजवानों के मुंह में गोलियों हयूं सानिया वंदन पारा आला इख्तियारन का मामले की जांच कराने जो मुतालबो। मेहड़ में ख्वाजा सराज के घर में चोरी वाली वारदात का पोए पुलिस चोरन में मुकाबलो चार अहलकार जख्मी मुकाबले दौरान घर में मौजूद जवाबदारन के अहलकारन मथा फायरिंग मारन में भारी पेजी वही पुलिस जो खोसा बरादरी के घर में सर्च ऑपरेशन प्रिंट औरतन समेत 8 जना गिरफ्तार पुलिस पारा ख्वाजा सराज के घर में चोरी थियल रकम हथ करण की दावा। गजा में इंसानियत जो कत्ले आम जारी इसराइली फौज के हमलन में 213 फलस्तीनी शहीद 7 अक्टूबर का हेल तीन शहीद थियलन जो अंग 17,700 थी वो 48,780 का मथे जख्मी जिबालिया पनागीर कैम्प जो चौक इज्तिमाई कब्रिस्तान में तब्दील थी वो फलस्तीनी शहीदन जा लाश बाजारों नई घिटियन में दफनायण शुरू कर छड़ा पर ही खबरू इदारे जो चवड़ा है गजा में इसराइल जा वधिक 5 फौजी मारजी व्या हेल ताई मारजी व्यल इसराइली फौजन जो अंग वधी 425 थी वो। अमरीकी सदर फलस्तीनियों की नस्ल कुशिया लाए इसराइल के वधिक गोला बारूद विकरण की मंजूरी दे छी जो बाइडन पंजा हंगामी इख्तियार इस्तेमाल कंदे कांग्रेस के जायजे का सिवाय इसराइल के वधिक 14,000 टैंकों जा गोला विक्रो करण की मंजूरी दिनी। इसराइल सलामती काउंसिल में अमेरिका पारा जंगबंदी वो ठहराव वेटो करण की आज्ञा करे छी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू चयो है हमास के खत्म करण लाए जंग जारी रहंदी हू सलामती काउंसिल में अमेरिका के सुठे मौकफ की तारीफ करे थो गडल अरब इमारत गडल कॉमन की सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादन से फौरी जंगबंदी लाए ठहराव जमा कराए हो। सखर में मार्जिवियल हेडमास्टर अब्दुल हकीम महरजे कत्ल केस में इल्ज़ाम हेठ टे जवाबदार गिरफ्तार पुलिस हेडमास्टर अब्दुल हकीम महरजे कातलन की गिरफ्तारी लाए गोठ सूमर महर गोठ मंगराणी ते चढ़ाई कई पुलिस इल्ज़ाम हेठ चंगे मुड़स दिलशाद महर जावेद महर सईद महर के गिरफ्तार करे वरतो पुलिस चढ़ाई दौरान मुख्य जवाबदार इरशाद महर फरार थी वो। कराची में कुरंगी मेहरान टाउन में एक घर में औरत जो तशद्दुद थियल लाश हथ आयो पुलिस मौजूद लाश की सुणप रोमा नाले से थी लाश के जिना अस्पताल मुंतकिल किया वो पुलिस पारा वाके की जांच कई पई वे। गोजपुर वेझो दुरानी महर के कच्छीवारे इलाके में पुलिस रेंजर्स जो रूपोश जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए गडियल ऑपरेशन जारी फायरिंग जो सिलसिलो हलंदड़ गोच गहड़ो खान भयो में कैंप कायम फायरिंग सबब इलाको जंग जो मैदान बणजी वो रवासी खौफ अचा घर ताई महदूद डोहारियों नई अहलकारन में रॉकेट लॉन्चर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत बन जदीद हथियारों इस्तेमाल जानी नुकसान जो इतला न मिलो।